बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे। चलती वैन के ऊपर दरअसल बिजली का खंभा गिरा, बारिश की वजह से हादसे में बाल बाल, वैन चालक बचा। तस्वीरों को देखिए, बारिश शुरू हुई और आफत का काम शुरू। कई जगहों पर टूटे पेड़ और बिजली के भी खंभे। आप इस वैन को देखिए कि इसके ऊपर कैसे यहाँ पर ये पेड़ गिरा। और उसके बाद हालांकि गनीमत ये रही कि जो चालक था उसको चोट नहीं आई। और आप दूसरी तस्वीर देखिए, जलभराव की समस्या अब इससे शुरू हो गई। तेज आंधी और बारिश के चलते हादसा हुआ है बहादुरगढ़ में, और गंदा पानी अब लोगों के घरों के बाहर भी इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। बिजली का खंभा दरअसल एक वैन पर गिरा, हादसे में वैन चालक को चोट तो नहीं आई, बाल बाल वो बचा। गनीमत ये रही कई जगहों पर टूटे पेड़ और बिजली के भी खंभे। तो आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तेज गर्जना के साथ रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। फिलहाल आप इस वैन को देखिए और कहर अब बारिश ने बरपाना शुरू कर दिया है। कुछ तस्वीरें हमने आपको लोगों के घरों के बाहर की भी दिखाई कि बारिश जरा सी हुई और लोगों के घरों के बाहर ही पानी इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। ये परेशानी हर बार शुरू होती है, लेकिन इस बार भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से शुरुआती दौर में ही आना शुरू हो चुकी है। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है।